के मुखिया नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल के लिए पूरी मजबूती से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सख्ती के साथ कहा है कि विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली जिम्मेवारी है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जंगल राज के नाम पर बीजेपी और जेडीयू वाले लोगों को डराते थे, लेकिन अब तो जवाब देना चाहिए। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बांका के अमरपुर प्रखंड के भद्रिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने चांदन नदी में मिले अवशेष को देखा और स्थल का जायजा भी लिया। उसके बाद सीएम ने कहा कि अमरपुर प्रखंड का भद्रिया गांव बौद्ध सर्किट का हिस्सा बन सकता है। यहां मिला अवशेष राजगीर से मिलता जुलता है, जो करीब 2600 साल पुराना लग रहा है। पटना एम्स में चल रहे वैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल में अब तक 5 दिनों में महज 40 वॉलंटियर ही आए हैं। ट्रायल 1000 लोगों पर करना है। वॉलंटियर की संख्या ऐसे ही कम रही तो वैक्सीन के लिए पूरा देश लंबा इंतजार करेगा। गया में शौच के लिए गई नाबालिग के साथ रेप कर उसकी गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। नाबालिग की लाश राहर की खेत से बरामद की गई। घटना में थाना क्षेत्र की है, वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 करोड़ के सोना लूट मामले में 7 आरोपियों को धर दबोचा है, साथ ही लूटकांड का खुलासा भी किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के चौथे दिन ही दिन दहाड़े हुई इस लूटकांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने निजी विद्यालय में गरीब छात्रों के नामांकन के लिए बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार निजी विद्यालय में 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन कराया जाता है, जिसका खर्च सरकार निजी विद्यालय को अपने स्तर से उपलब्ध कराती है।